हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता। वेलकम टू माय चैनल कलरफुल इंडिया। आज जिस प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी का प्लांट। सब एक आध प्लांट लगाए होंगे ठंडी के मौसम में, और जिनके घर में अभी भी ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, इसको हम प्रिजर्व करेंगे इस साल के ठंडियों के लिए। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए अभी, क्योंकि ये मई का महीना है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस गर्मी में अगर किसी का ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट छत पर है, तो उसको बिल्कुल छत से हटा दीजिए। इसको एकदम शेड में रखिए, जहाँ पे रोशनी आती हो पर धूप की किरणें ना हो। और ये ऐसा प्लांट है जो ठंडियों में बहुत अच्छे से खिलता है, क्योंकि ये ठंडी के सीज़न का प्लांट है। तो हम इसको स्टोर करेंगे अभी, ताकि ये मर ना जाए, और अगले सीज़न में जैसे ही अगस्त का महीना आएगा, तब इसमें बहुत सारे रनर्स आ जाएंगे, और उस रनर से आप इस सिंगल प्लांट से कम 20-30 प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। तो सिर्फ अभी जो आपको मई महीने में करना है, वो है कि आपको अपने स्ट्रॉबेरी प्लांट को स्टोर करके रखना है। हालांकि अभी भी मेरे इसमें एक दो फल आ रहे हैं, पर अभी मैं फ्रूट्स नहीं लूँगी और मैं इस पूरे को काट दूँगी। ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो बाद में फ्रूट्स में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको मतलब शेड में रखा हुआ है, इसीलिए अभी भी इसमें फ्रूटिंग दिख रहा है। पर अभी मैं आपको जो स्टेप्स बताऊंगी, उससे सिर्फ मुझे इसको स्टोर करके रखना है इस सेशन के, मतलब इस ठंडियों के लिए। तो इसमें मैं हर वक्त एक मल्चिंग करके रखती हूँ, और अगर आप ऐसे घास से मल्चिंग करना चाहें तो आप मल्चिंग कर सकते हैं। पर मल्चिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रूट्स अगर मिट्टी में टच हो जाए तो वहाँ से वो सड़ जाते हैं, इसीलिए इसको हर वक्त मल्चिंग करके रखना पड़ता है फ्रूटिंग में। हालांकि अभी हम इसको सिर्फ सेव करेंगे, तो हम ये मल्चिंग वाले जो भूसे के वो हैं, स्ट्रॉज हैं, ये स्ट्रॉज को हम हटा सकते हैं। और इस स्ट्रॉ को अगर आप हटाएंगे तो आपको नीचे में बहुत क्लियर मिट्टी दिखेगा इसमें से। अब आपको स्टोर जब करना है, तो आप पुराने जितने भी पत्तियां हैं उनको आप काट ले, कुछ फूल हो तो उसको काट ले, और ये जो अंदर की मिट्टी है, इस मिट्टी की गुड़ाई करके एकदम नॉमिनल मैनुअर डालें, जो महीने में आप एक बार डालेंगे तो भी सफिशिएंट है। बस हम इसको प्लांट के ग्रोथ को अच्छे से मेंटेन करते हुए प्लांट को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट महीने में एक बार डाल दें तो सफिशिएंट है। बाकी आपको सिर्फ डेली पानी डालना है, ओवर वाटरिंग ना करें, नॉर्मल वाटरिंग करें, और अच्छे से गुड़ाई कर दें। महीने में एक बार इसकी गुड़ाई करें, और एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दें, या फिर अगर आप चाहें तो नीम खली, सरसों खली और बोन डस्ट, इन तीनों के एक एक चम्मच मिक्स कर लें, और उसमें से एक मुट्ठी लेके आप इसमें डाल दें। और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऑर्गेनिक नहीं जाते हैं, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिकल वाला यूज़ करना चाहते हैं, तो NPK 19-19-19, जिसको हम ग्रोमोर भी बोलते हैं, उसको आप 5-6 दाना इसमें डाल के छोड़ सकते हैं। महीने में एक बार करना सफिशिएंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अभी हमको प्लांट से फ्रूट्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अभी ग्रोथ मेंटेन करते हुए इसको स्टोर करना है। ये मिक्स्ड मैनुअर है, जिसमें नीम खली, सरसों खली और बोन डस्ट है, मिक्स किया हुआ है इक्वल प्रोपोर्शन में। इसको मैं महीने में एक बार डाल रही हूँ, और बाकी कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे में बारिश आएगा, तो आपको प्लांट को सड़ने से बचाने के लिए, आप जैसे ही बाकी प्लांट्स में अपना फंगीसाइड स्प्रे करते हैं, वैसा इसमें आप कर लीजिए। महीने में एक बार या महीने में दो बार 15 दिन के गैप में करेंगे तो अच्छा है। बाकी और कुछ नहीं, सिर्फ आप अभी पानी डालें और मैनुअर महीने में एक बार डालें, और उसको आप स्टोर करें। अगस्त महीने में इसमें अपने आप रनर्स आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी इस प्लांट से, मेरे इसी प्लांट से कैसे मैं और बहुत सारे प्लांट्स रखूंगी। ये है इस मई महीने में हमारे स्ट्रॉबेरी का केयर। नर्सरी में अभी ये अवेलेबल नहीं होगा, जिनके पास अभी है वो उसको सेव कर ले, ताकि हर सीज़न में आपको स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जितने आप जितने जन के पास स्ट्रॉबेरी का प्लांट हो, वो अपने फ्लावर प्लांट्स की फ़ोटोज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
आगे के प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स के अपडेट्स के लिए इस चैनल में ट्यून्ड रहिएगा।